नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चलते हैं मोटिवेशनल क्वेट की ओर। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, पर कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। जब जब मंजिलों ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डालकर कहा चल छूटी तेरी इतनी औकात। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त COVID-19 वैक्सीन कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन, स्पूतनिक बी वैक्सीन या फाइजर वैक्सीन या फिर कोवैक्सीन। तो विश्व की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन है दोस्तों स्पूतनिक बी। यह दोस्तों रूस द्वारा विकसित की गई है। और पहले नंबर पर है दोस्तों जो कोविशील्ड है, यह दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। और दोस्तों फाइजर है, यह अमेरिका की वैक्सीन है। और कोवैक्सीन यह दोस्तों भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चर्चा में रहा कांग्रेशनल गोल्डन मेडल का संबंध किस देश से है? तो चर्चा में रहा कांग्रेशनल गोल्डन मेडल का संबंध दोस्तों अमेरिका से है। और अमेरिका के दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन हैं और उपराष्ट्रपति दोस्तों कमला हैरिस हैं। जिस प्रकार दोस्तों हमारे देश में भारत रत्न होता है, उसी प्रकार दोस्तों अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्डन मेडल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों यह त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। और दोस्तों तमिलनाडु में ही स्थित मदुरई, इसे दोस्तों मंदिरों का शहर कहा जाता है, जो हर बार पेपर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों हाल ही में सुभद्रा कुमारी की 117वीं जयंती मनाई गई। और दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान यह दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवरोज पारसी नववर्ष कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या फिर 17 अगस्त। तो नवरोज पारसी नववर्ष दोस्तों 16 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों जो पारसी धर्म के लोग होते हैं उनकी दोस्तों नए वर्ष 16 अगस्त से हर साल शुरू होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2021 में किस राज्य ने पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया? तो यह बजट पेश किया है दोस्तों तमिलनाडु ने। और दोस्तों यह भारत में पहली बार है जब किसी राज्य द्वारा कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में म्यूजियम ऑन भील स्वतंत्रता एवं विभाजन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है दोस्तों कोलकाता में। और दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोस्तों कोलकाता ने ट्राम यानी एक तरह की बस, इसके भीतर दोस्तों इस संग्रहालय की स्थापना की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने एक ऑनलाइन पोर्टल तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी सर्विसेज लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है दोस्तों वीरेंद्र कुमार ने। और ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी सर्विसेज, यह दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए यह ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों तपस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी दोस्त YouTube पर स्टडी लाइव NK बन सर्च करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल। गैलेक्ट्री अवार्ड 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? बताइए दोस्तों शिक्षकों को, डॉक्टर को, किसानों को या सशस्त्र सेना बलों को? तो यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है दोस्तों सशस्त्र सेना बलों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe.